हमने यहाँ पे ऑर्डर कराया है कचौड़ी और इसके साथ सब्जी दी है, तो इसमें आलू छोले मीठी चटनी और ये हरी चटनी डलती है इस सब्जी में। साथ में हमने ऑर्डर करी है जलेबी। तो सबसे पहले मैं दुकान की टाइमिंग बता देता हूँ, रहती है 7:30 से लेके 10:30 बजे तक जो ब्रेकफास्ट मिलता है। हम बाय टाइम पहुँचे हैं, बाय टाइम, क्योंकि कचौड़ी अभी अभी ख़त्म हुई है, शायद 10 ही बजे हो गए, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। तो अब मैं थोड़ा खा के दिखाऊँगा, बड़ी मोटी कचौड़ी है, देख लो आप। एक पीस 24 रुपये का रहता है, तो 2 पीस 48 रुपीस के आएंगे, और ये 50 ग्राम 19 की रहती है, तो ये 100 ग्राम है, तो आप लगा लीजिए इसका हिसाब कितना होएगा। सही में अब पता चला कि ये चौक इतनी फेमस क्यों है, बहुत ही अच्छी है सब्जी ये कचौड़ी, दोनों बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा है, और साथ में ये जलेबी खाएंगे थोड़ा। मज़ा आ गया, अगर ऐसा ब्रेकफास्ट खाने को मिले तो मज़े आ जाएंगे इसी में, बहुत अच्छा है। आप भी आइए इधर, और मैं ये जो लोकेशन का इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप ज़रूर विज़िट करिए इधर। तो इस कचौड़ी के अंदर उड़द दाल की फिलिंग होती है और साथ में हींग भी होती है, ये देखिए, तभी इतनी स्वादिष्ट है। आलू की सब्ज़ी एक नंबर, कचौड़ी एक नंबर, जलेबी के तो क्या ही कहने, सही में ना? Do you agree? भैया आप एक बार बताओगे सब्जी में क्या डालते हो आप? आलू, आलू और मटर, और वो जो गोल था बड़ा वो क्या था? कुत्ता रहा, छेने का, छेने का। अच्छा, 1898 की शॉप है ये, 10:18 है, और थोड़ी देर पहले सब कुछ ख़त्म हो गया है। यहाँ पे कचौड़ी रह गई है और थोड़ी सब्ज़ी रह गई है बस, बाकी छोटी कचौड़ी ख़त्म है, तो इधर फटाफट बिकता है, और 7:30 से 10:30 बजे तक ओपन होती है ये शॉप। तो अब हम पहुंच चुके हैं लस्सी बाहर, और मैंने ऑर्डर करी है ये लस्सी जो कि कुल्हड़ में मिली है, मलाई मार्केट में। थोड़ी खट्टी है, खटास है दही में, तो ज़रा सी खटास है, एवरेज टेस्ट है, ठीक ठाक है, मतलब इतनी कुछ स्पेशल नहीं है। तो देखते हैं, हम एक और शॉप में जाएंगे जो सामने है लस्सी कॉर्नर, और उधर भी एक्सप्लोर करेंगे कि उधर क्या मिलता है। ये 11 साल पुरानी सिर्फ शॉप है, और ये लस्सी बाहर अंदर ही इनकी दादाजी की शॉप है जो कि काफ़ी साल पुरानी है। तो चलिए अभी ये तो पिया है, बाकी आगे करते हैं। तो लस्सी बाहर में हमने मंगवाया है मलायो, और ये है दूध, मलायो का रेट है 20 रुपये, ये बिल्कुल फ्रेश बन के आया है, ताज़ा, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। इट इज डेफिनेटली गुड, ये दूध, दूध बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही अच्छा है। केसर किसी भी चीज़ में, अगर खीर में या फिर दूध में डलता है, तो उसका टेस्ट जो एनहेंस हो जाता है वो बहुत बढ़िया होता है, तो यही है उसका जवाब। अब हम आ चुके हैं लस्सी कॉर्नर, जो कि लस्सी बाहर के बिल्कुल अपोजिट है। तो हमने इधर ऑर्डर करा है मलायो,
अमृता खाई जा रही है, खाई जा रही है, रुके ही नहीं, शूटिंग करनी है भाई, रुक जा। मलायो खाने जा रहे हैं, खा चुकी है ऑलरेडी, तो बताया ही कैसा है अभी एक बार एक्टिंग करके ही कैसा है असली में। अभी खा तो सही, खा के दिखा। मैं खा चुकी हूँ ऑलरेडी, बोल रही हूँ। तो ये मलायो होता क्या है? मलायो ये जैसे हम लोग होता है ना दिल्ली में मिलता है दौलत की चाट, वैसे ये इधर मलायो बोलते हैं। अरे वो पता है, लेकिन मलायो होता क्या है? दूध को फेंट फेंट के एकदम मैना बना देते हैं। हाँ ये पूछ रहे हैं, केसर डाल के तो बहुत अच्छा। तो जो तू ऐसे बोल रही है जैसे कि पर मतलब क्या ही बोलूँ मैं, छोड़। तो नहीं पता था ये नहीं, मुझे पता है, ये मुझे पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो उसको बताने के लिए। तो ये 20 रुपए का है, हमें भी टेस्ट करवाइए। मलायो इज वेरी नाइस, शोर बहुत है इधर, तो मैं सजेस्ट जरूर करूंगा कि इधर आइए और खाइए मलाई। अच्छा है, काफी अच्छा है। और इन्होंने ये थोड़ा दूध दिया है जिसमें केसर, इलायची और गुलाब जल डला हुआ है, और बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। अपने आप को दिखा दो जरा। मैं पी के क्या दिखाऊं, मैंने पी लिया ऑलरेडी, लेकिन मुझे में लग गया थोड़ा, सॉरी। पहले से लगा हुआ था, मैंने बोला था कि अपना को दिखाऊं, सॉरी। मतलब अच्छा है, रिफ्रेशिंग है, मजा आ गया, मजा। ये देखें बिल्ली को घटाघट करते हुए। लस्सी कॉर्नर में अब हम लस्सी भी पिएंगे, मलाई तो खा लिया, बहुत ही ज़बरदस्त था, अब लस्सी पिएंगे और कंपैरिजन बनता है। लस्सी कॉर्नर और लस्सी बाहर का कंपैरिजन ज़रूर बनता है, तो चलिए पी के देखते हैं इधर की लस्सी कैसी है। भाई पंजाबी मुंडा अगर वाराणसी आया है और लस्सी ना पिए तो कैसे चलेगा, पीनी बनती है। तो ये आ चुकी है लस्सी, 20 रुपए की है ये, और दिखने में तो खैर सेम है, पी के देखते ही कैसी है। तो ये रही मलाई अगेन, इट इज बिलो एवरेज एक्चुअली। तो दो शॉप है इधर आसपास, लस्सी कॉर्नर और लस्सी बाहर, और दोनों शॉप में मलायो और दूध दोनों अच्छे बने हैं, लेकिन लस्सी मुझे इतनी पसंद नहीं आई दोनों में। तो अगर आप इधर आ रहे हो तो मलायो और दूध ट्राई कर सकते हैं, रेट बहुत कम है, नॉमिनल है, बहुत ही मिनिमम है। तो आइए इधर अगर आपको मलायो खाने का मन है। जो ये दूध और मलायो दोनों हैं वो फरवरी तक मिलेगा, उसके बाद सिर्फ लस्सी मिलेगी आपको जब गर्मी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली पूरी रात दूध को बॉईल करके रखा जाता है और ओस का यूज़ करा जाता है, तब वैसे टेस्ट आता है। तो दूध और मलाई मेरी रिकमेंडेशन है इधर, चाहे लस्सी कॉर्नर चाहे लस्सी बाहर, और शायद अंदर भी दुकान है मेरे ख्याल से, वो भी सही होगी लस्सी बाहर की। तो आइए इधर, मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी अब चलते हैं अपनी होटल की तरफ, और दोपहर को चलेंगे कहीं और।